हेलो मेडिकोज, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल एंड हेयर लॉस की ट्रीटमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इसके कॉजेस जाने थे और ये भी जाना था कि बोथ दिस कंडीशंस आर मल्टीफैक्टोरियल इन ओरिजिन। जब भी आप कोई क्रॉनिक केस ट्रीट करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऑल द क्रॉनिक केसेस आर मल्टीफैक्टोरियल इन ओरिजिन, बट द फंडामेंटल कॉजेस आर मायाजम्स विच आर सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। सो पहला जो स्टेप है वो है पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। पेशेंट को उसकी कंडीशन के बारे में हमें पूरा सच बताना चाहिए और उसके हिसाब से हमें उसे काउंसिल करना चाहिए, उसकी क्या कंडीशन है, ट्रीटमेंट से क्या क्या फायदे होंगे और अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा, उसकी जो कंडीशन है वो क्योरेबल है या नहीं है, ये भी हमें पेशेंट को बताना ही चाहिए। अगर इनक्योरेबल केस है तो उसके बारे में हम फर्दर क्या कर सकते हैं वो भी हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है और पेशेंट की जितनी क्वेरीज है वो हमें सॉल्व करनी पड़ती है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पेशेंट एजुकेशन एज वेल एज पेशेंट काउंसिलिंग। देन सेकंड स्टेप इज लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में डाइट पैटर्न्स, हाइड्रेशन एंड स्लीप, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइट शुड बी फुल ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स, स्पेशली विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। डाइट में प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। डेली 1.5 से 2 लीटर तक पानी पीकर हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए और स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स होनी ही चाहिए। और स्लीप जो है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रात में 3-4 घंटे सो लिया और दिन में 2-3 घंटे सो लेंगे। डाइट का जो टाइमिंग है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप डेली 12 बजे ही खाना खाते हो सुबह में तो वो 12 या 1 या 11 इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही डिनर का टाइम भी प्रॉपर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बॉडी का जो स्ट्रेस कंडीशन है वो कम होगा। स्ट्रेस कंडीशंस हो सके तो अवॉइड करनी चाहिए, अगर अवॉइड नहीं हो पा रही है तो थोड़ा माइंडसेट बदलने का ट्राई करना चाहिए। इसके लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें हमें हेल्प कर सकती है। सो ये थे 2 स्टेप, बहुत ही मैंडेटरी थे। कोई भी क्रॉनिक डिजीज जब भी आप ट्रीट करते हैं तो ये 2 स्टेप आपको ध्यान में रखने ही है। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज हेयर प्रोडक्ट्स एंड हेयर ट्रीटमेंट। हेयर प्रोडक्ट्स में हमने देखा था ऑयल है, शैम्पू है, कंडीशनर है, कलर्स है, सीरम है, बहुत सारी चीजें लोग यूज करते हैं। तो जब भी आपको ऐसी कोई भी चीज यूज करनी है तो उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानिए, ये चीजों में क्या क्या चीजें डाली है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, उसके हेल्थ पे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, बालों पे, स्काल्प पे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो आप पूरी तरह से समझिए, उसके बाद ही आप उसको यूज करिए। ऑयल्स में जनरली आंवला ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, वो आप यूज कर सकते हैं, तीनों बहुत अच्छे होते हैं। आपको क्या करना है कि पहले चेक कर लेना है कि कौन सा ऑयल आपको सूट करता है, उसके बाद ही आपको कोई ऑयल चूज करके उसी को यूज करना है। नाउ ये ऑयल क्या करेंगे कि आपकी जड़ों को मजबूत बनाएंगे और ये ऑयल हेयर फॉल को कम करने में थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑयल की वजह से हेयर लॉस बिल्कुल होगा ही नहीं। ओके, तो इट इज नॉट प्योर ट्रीटमेंट, इट इज अ सप्लीमेंटरी ट्रीटमेंट। नाउ रिगार्डिंग शैम्पूज, सीरम एंड कंडीशनर, तो अगर इसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके स्कैल्प को या फिर आपके हेयर फॉलिकल्स को नुकसान कर सकते हैं तो इसको बिल्कुल ही यूज मत कीजिए। एक और बात, कई लोगों को कई शैम्पू सूट होते हैं, कई दूसरे लोगों को कोई और शैम्पू या सीरम या फिर कंडीशनर सूट होते हैं, तो उसी हिसाब से एक इंडिविजुअल की जो चॉइस या सेंसिटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो जब भी आपको हेयर फॉल या हेयर लॉस की समस्या है तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा शैम्पू, कौन सा सीरम, कौन सा कंडीशनर मेरे बालों के लिए अच्छा रहेगा और उसके बाद ही आप उसको यूज करिए। अगर इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपके बालों को सूट करती है तो वही प्रोडक्ट आप यूज करिए, प्रोडक्ट को बार बार चेंज मत कीजिए। एडवर्टाइज बहुत सारी कंपनीज की आती है और बहुत सारे अच्छे हेयर ऑयल्स, शैम्पूज, सीरम्स, कंडीशनर्स भी मिलते हैं, लेकिन सभी चीजें सभी लोगों को सूट नहीं करती है। तो आपको क्या सूट करता है उसी हिसाब से आपको ये सारी चीजें यूज करनी है।
रिगार्डिंग डाइज एंड कलर्स, तो उसके भी इंग्रेडिएंट्स आपको जानने चाहिए। रिगार्डिंग ब्लीच, ब्लीच से क्या होता है, ये बनाने वाली जो कंपनियां है और ये जो लगाते हैं जो एक्सपर्ट्स है वही कहते हैं कि ब्लीच को यूज करने में आपको बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ब्लीच जो है वो कई बार बालों को ड्राई कर देता है, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। तो ब्लीच का हो सके तो कम यूज किया करिए। तो कम यूज करने से क्या होगा कि आपके हेयर डैमेज नहीं होगे, हेयर फॉल नहीं होगा। रिगार्डिंग हेयर ट्रीटमेंट, कई लोग जो है स्ट्रेटनिंग कराते हैं, देन कर्लिंग कराते हैं, ड्राइंग कराते हैं, बहुत सारी टाइप की हेयर स्टाइल्स कराते हैं। तो बार बार ये चीजें करने से क्या होगा कि आपकी जड़ें जो है वो कमजोर होती जाएगी। तो टू ऑफन, बहुत ही कम टाइम पे ये यूज मत करिए। दो ट्रीटमेंट के बीच में आपको एक अच्छा गैप रखना है, अच्छा टाइम पीरियड लेना है, और उसके बाद ही ये ट्रीटमेंट आप लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको हेयर डैमेज और हेयर फॉल हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मसाज विथ डिफरेंट ऑयल्स। इसके बारे में मैंने बात की, अगर आप मसाज करते हैं तो आपकी स्काल्प अच्छी रहती है, जो भी हेयर फॉलिकल्स है उनके बाहर आने के चांसेस बने रहते हैं। मसाज विथ ऑयल्स लाइक आमला ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल इज सजेस्टिव। मैं ये सब सजेस्ट करता हूँ। इसके अलावा इस ऑयल्स के साथ अगर आप ऑनियन का जूस भी डालते हैं तो ऑनियन का जूस वाला ऑयल भी बहुत ही हेल्दी रहता है और बहुत ही लाभकारक रहता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यूज ऑफ प्योरिफाइड और आरओ वाटर। आपके एरिया में अगर हार्ड वाटर आता है कि जिसमें मिनरल्स की मात्रा ज्यादा है, तो अगर आप ऐसा पानी पिएंगे एस वेल एज ऐसे पानी से आप अपने बाल धोएंगे तो क्या होगा, हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो तब आप क्या कर सकते हैं, प्योरिफाइड वाटर या आरओ का वाटर पीने के लिए एज वेल एज हेयर वॉश करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज क्विटिंग टोबैको एंड स्मोकिंग। हमने देखा था कि टोबैको और स्मोकिंग की वजह से ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये फ्री रेडिकल्स जो है उसकी वजह से भी हेयर फॉलिकल को नुकसान होता है, हेयर फॉल हो सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके ये बैड हैबिट्स छोड़ दीजिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज। जैसे हमने देखा था कि हार्मोनल इम्बेलेंस है या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, एलोपेशिया एरियाटा है, स्काल्प सोरियासिस है, स्काल्प में कोई इन्फेक्शन है, या कोई ऐसा डिजीज है जिससे बॉडी में से प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही हो, तो ऐसे सारे डिजीज की ट्रीटमेंट हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज हेयर ट्रांसप्लांट। अगर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके लिए तो हम हेयर ट्रांसप्लांट ही सजेस्ट करते हैं। नाउ अगर फैमिली में ये बाल्डनेस की कंप्लेन है तो आप बालों का गिरना कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सफर कर रहे हैं इस कंडीशन से तो ये कंडीशन जो है वो इनक्योरेबल है। तो पहले से ही अपनी फैमिली ट्री को, हेरिडिटी को जान के रखिए और देख लीजिए कि इसमें मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है या नहीं है। अगर है तो पहले से ही आप इतने प्रिकॉशंस लीजिए कि जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस ना हो, लेकिन अगर इससे भी हेयर लॉस हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथी में सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों टाइप की ट्रीटमेंट होती है। इंटरनल यानी डायनेमिक पोटेंटाइज्ड मेडिसिन एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ डिफरेंट मदर टिंचर्स। नाउ तो कौन कौन से मदर टिंचर्स एक्सटर्नली यूज होते हैं, ये जो मदर टिंचर्स है वो हम ऑयल के साथ मिक्स करके बालों में स्काल्प पे लगा सकते हैं। तो जनरली आर्निका मदर टिंचर, चाइना मदर टिंचर, जिबोरेंडी मदर टिंचर एंड नाउअडेज एलियम सीपा मदर टिंचर, ये सारे मदर टिंचर हम ऑयल के साथ अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए इंडिविजुअलिस्टिक होम्योपैथी का अप्रोच लिया जाता है। तो कौन कौन सी मेडिसिन है होम्योपैथी में और क्या क्या इंडिकेशन है वो अब मैं कहूंगा। तो सबसे पहली आती है चाइना। जब भी कोई ऐसा डिजीज हुआ है कि जिसकी वजह से बॉडी लूजेस वाइटल फ्लूइड्स, कि जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी चले जा रहे हैं, प्रोटीन्स भी जा रहा है, तब चाइना ये मेडिसिन यूज होती है। तो चाइना इज स्पेशली इंडिकेटेड इन केसेस ऑफ डेबिलिटेटिंग डिजीजेस एंड लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। द
नेक्स्ट मेडिसिन इज मर्क्यूरियस। मर्क्यूरियस पेशेंट को बहुत ही सारा परस्पिरेशन होता है, और जब भी परस्पिरेशन की वजह से स्काल्प इरिटेट हो और हेयर फॉल हो तब मर्क्यूरियस इंडिकेट होती है। इसके अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूशन में सिम्टम्स जो है वो प्रॉपरली आपको मैच करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज हिपार्सल। हिपार्सल इज यूज्ड इन क्रॉनिक गाउटी हेडेक विथ सेंसिटिवनेस ऑफ स्काल्प। गाउट की वजह से अगर हेडेक हो रहा है और इसी कंडीशन की वजह से स्काल्प सेंसिटिव हो गया है कि जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, देन यू कैन यूज हिपार्सल। नेक्स्ट इज काली कार्ब। काली कार्ब में बाल जो है वो ग्रास सूखा घास जो होता है ऐसे ड्राई हो जाते हैं। काली कार्ब में ड्राइनेस एंड हेयर फॉलिंग विच इज फॉलिंग वेरी रैपिडली ये कंडीशन देखने को मिलती है, एज वेल एज काली कार्ब वाले पेशेंट में डैंड्रफ भी देखने को मिलता है। डैंड्रफ के लिए एक और मदर टिंचर है विच इज कैंथारिस। तो अगर आप डैंड्रफ से सफर कर रहे हो तो आपके हेयर ऑयल में कैंथारिस मदर टिंचर ऐड करके आपके स्काल्प पे उसकी मसाज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बराइटा कार। बराइटा कार जो है वो बालनेस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लूजिंग ऑफ हेयर फ्रॉम क्राउन। क्राउन से अगर हेयर फॉल होता है या हेयर लॉस होता है तो बराइटा कार ये मेडिसिन यूज होती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज कैल्केरिया कार। फॉलिंग ऑफ हेयर फ्रॉम साइड्स ऑफ हेयर, यहां से अगर हेयर फॉल होता है तो कैल्केरिया कार ये मेडिसिन यूज होती है। रूट्स ऑफ हेयर पेनफुली सेंसिटिव। कैल्केरिया कार के पेशेंट के रूट्स जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही पेन करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोरिक एसिड जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ द हेयर एंड ब्रेकिंग ऑफ द हेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर इज वन ऑफ द गुड मेडिसिन फॉर हेयर फॉल। ग्रेट फॉलिंग ऑफ हेयर एज सून एज टच्ड मोस्टली ऑन फोर पार्ट ऑफ हेड एंड टेम्पल्स। जब भी आप हेयर को टच करते हैं, कॉम से भी टच करते हैं, तब हेयर फॉल होता है, और जनरली फोर पार्ट और टेम्पल से नेट्रम्यूर में हेयर फॉल होते हैं। बियर्ड एरिया में से भी हेयर फॉल हो सकता है या एलोपेशिया की कंडीशन देखने को मिलती है। स्काल्प जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट मेडिसिन इज फॉस्फोरस। फॉलिंग ऑफ हेयर रूट आर ड्राई। फॉस्फोरस में जो रूट हो गए, हेयर रूट हो गए वो बहुत ही ड्राई हो गए। लार्ज बंचिस में हेयर फॉल होगा, यानी कि एलोपेशिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। वायलेट इचिंग ऑफ स्काल्प। डेन्यूडेड स्काल्प लुक्स क्लियर वाइट एंड स्मूथ, तो ऐसा अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा। सारसा पेरिला। सारसा पेरिला में भी स्काल्प जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, और इस सेंसिटिविटी की वजह से हेयर फॉल देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज आफ्टर सीवियर एक्यूट डिजीजेस। कोई एक्यूट डिजीज हुआ है उसके बाद आपको हेयर फॉल होना अगर स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए आती है चाइना, कैल्केरिया कार्ब, कार्बोवेजिटेबिलिस एंड हिपार्सल। आफ्टर कन्फाइनमेंट इसके लिए लाइकोपोडियम और सल्फर आती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमने देखा था कि प्रेगनेंसी के वक्त भी हेयर फॉल होता है, तो उसके लिए मेडिसिन है लैकेसिस। अगर स्पॉट्स में से हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड, आर्सेनिक आल एंड फॉस्फरस। अगर सिफिलिस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो ऑरोमेट एंड नाइट्रिक एसिड, और टाइफॉइड फीवर के बाद अगर हेयर फॉल हो रहा है तो मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड। नाउ फॉर बाल्डनेस थ्री मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट। बराइटा कार्ब, लाइकोपोडियम एंड सिलिसिया, ये तीन मेडिसिन बालनेस वाले पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। अगर यंग एज में ही बालनेस हुई है तो देयर आर चांसेस के हेयर गेन हो। हेयर पहले जैसे गेन नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में भी इसमें गेन हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बराइटा कार्ब, लाइको एंड सिलिसिया। नाउ सिलिसिया जो है वो प्री मैच्योर बालनेस में यूज होती है। नाउ जिंकम मैट। जिंकम मैट में बाल्डनेस जो है वो वर्टेक्स एरिया में देखने को मिलती है। सेपिया में बाल्ड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बाल्ड स्पॉट्स स्काल्प पे देखने को मिलते हैं। और फ्लोरिक एसिड जब भी हेयर ब्रेक ऑफ हो जाते हैं तब यूजफुल होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट होम्योपैथिक थेरापेटिक्स। तो जब भी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं तो इंटरनल मेडिसिन एज वेल एज एक्सटर्नल मदर टिंचर्स भी आप यूज कर सकते हैं। So, this is all about treatment of hair fall and hair loss. Hope you like this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel, Medic Talks. Thank you very much.